हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम संयुक्त अक्षर के बारे में पढ़ेंगे। वह अक्षर जो दो भिन्न अक्षरों के मिलने से बनते हैं वह संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। यानी कि वह अक्षर जो दो अलग अलग अक्षरों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे कि क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। संयुक्त अक्षर में पहला अक्षर स्वर रहित होता है और दूसरा अक्षर स्वर सहित होता है। यानी कि किसी भी संयुक्त अक्षर में जो पहला अक्षर होता है उसकी आवाज़ कम होती है, उसका स्वर रहित होता है, यानी कि उसका स्वर नहीं होता। और दूसरा अक्षर स्वर सहित होता है, यानी कि जो दूसरा अक्षर है उसकी पूरी आवाज़ होती है। चलिए अब पहला संयुक्त अक्षर देखते हैं, क्ष। क्ष कैसे बनता है? आधा क, क के नीचे ये जो हलंक लगा है इसका मतलब है कि इसका स्वर कम है, हल्का है बहुत। तो आधा क प्लस श, क्ष। क की बहुत हल्की आवाज़ आ रही है, सो क्ष। इसका उदाहरण है कक्षा। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, पक्षी। तो क्ष शब्द कैसे बनता है आप सभी को ये ध्यान रखना है, आधा क प्लस श। दूसरा संयुक्त अक्षर है त्र। त्र की आवाज़ से ही आप पहचान सकते हैं कि ये किन अक्षरों से बना होगा। त के नीचे हलंक यानी कि आधा त प्लस र, त्र। फिर से आप कोशिश करिए इसे बोलने की, त्र। इसका उदाहरण है स्त्री, पुत्र। तो इस वीडियो में आपने दो संयुक्त अक्षरों के बारे में जाना, क्ष और त्र। बाकी के जो दो संयुक्त अक्षर हैं यानी कि ज्ञ और श्र, वो हम अगली वीडियो में सीखेंगे।